लग रही है ना फ्रेंड्स, बहुत ही चटपटी और टेस्टी सब्जी है कुंदरू की। तो आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा। हमने कैसे बनाया है इस सब्जी को, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी नया वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए बनाते हैं इस टेस्टी सब्जी को हम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुंदरू की सब्जी बनाएंगे। कुंदरू की सब्जी आपने लहसुन प्याज के साथ तो कई बार का खाई होगी, बट आज हम बगैर लहसुन प्याज के कुंदरू की सब्जी बनाएंगे और आपको बता दिखाएंगे कि मतलब बगैर लहसुन प्याज के भी हम कुंदरू की सब्जी कितनी अच्छी और कितनी जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, हमने कुंदरू को धुल के फ्रेश कर लिया है, उनके किनारों को हमने निकाल लिया है और अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो चलिए कट कर लेते हैं सबसे पहले कुंदरू को हम। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कुंदरू को काट लिया है और इधर हमने तड़का लगाने के लिए एक हरी मिर्च काट ली है और कुछ करी पत्ता ले लिया है हमने। अब चलते हैं हम इनको बनाने के लिए सब्जी को। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी को बनाने के लिए हमने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। सबसे पहले इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे। जीरा हमारा देखिए चटकने लगा है अच्छे से। और अब इसमें हम जो करी पत्ता और हरी मिर्च रखी है उसको ऐड करेंगे। जीरा थोड़ा हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब। तो देखिए जीरा चटक गया है, अब इसमें हम ये करी पत्ता और हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। देखिए हमारा करी पत्ता और हरी मिर्च चटक गए हैं, अब इसमें हम ये कुंदरू की सब्जी ऐड करेंगे जो हमने काट के रखी है। तो कुंदरू को देखिए हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स इस तरीके से सब्जी को बनाइए ना। जैसे कि कहीं कहीं है सबसे यहाँ पे लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, तो सोचने लगते हैं कि बगैर लहसुन प्याज के ये सब्जी हम कैसे बनाएं। तो आप ये सब्जी बना सकते हैं बगैर लहसुन प्याज के भी, बहुत ही झटपट बनकर रेडी भी हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए इसको इसी तरीके से हम एक मिनट डेढ़ मिनट तक भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम हाई रखेंगे। अभी भूनते हुए हमारी गैस तेज ही रहेगी थोड़ा, उसके बाद जब हम इसको पकाने लगेंगे तब भी थोड़ा हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे, जिससे हमारा कुंदरू अच्छे से पके और अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो। अब इसमें हम यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। एक मिनट तक हमने भून लिया है और हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पे हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। एक चम्मच हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है, डेढ़ चम्मच हमने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है और अब अच्छे से इनको चलाते हुए मिक्स कर देंगे। अभी यहाँ पे तुरंत हम नमक नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा देर इसको भूनने के बाद यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी कुंदरू की सब्ज़ी एकदम अच्छी बने। देखिए इसको हम इसी तरीके से ढक्कन लगा देते हैं पकने के लिए। इस पर देखिए हमने ढक्कन लगा दिया है और अब इनको हम पकने देते हैं। दो मिनट तक हम पकने देंगे, फिर उसके बाद एक बार हम फिर से चलाएंगे सब्जी को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चेक कर लेते हैं हम सब्जी को। देखिए कितनी अच्छी तरीके से बहुत अच्छी खुशबू आ रही फ्रेंड्स, और ये तेल भी देखिए छोड़ने लगी, अच्छे से पकने लगी है हमारी सब्जी। इसको मतलब जो भुंजिया बनाए ना इस तरीके से, इसकी तो थोड़ा तेल की मात्रा इसमें रहे तो अच्छा रहता है। देखिए कितनी अच्छे से बन रही है, अब ये पक भी गई है लगभग आधी हमारी सब्जी दो मिनट में ही। और इसके बाद मतलब कि अब इसमें हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। इस तरीके से सब्जी को बना करके फ्रेंड्स आप कहीं सफ़र में अगर जा रहे हैं ना तो वहाँ पे भी रास्ते में खाने के लिए ले जा सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे, नमक अपनी टेस्ट सब्जी की टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करिएगा, जिससे कि नमक ज़्यादा ना हो। और मतलब कि क्या है कि जब हम लहसुन प्याज वाली सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें रास्ते में ले जाने की महक आने लगती है, अच्छा नहीं लगता है रास्ते में कहीं सफ़र में जाओ तो ले जाने में लहसुन प्याज वाली सब्जी। और इस तरीके से अगर आप बना कर ले जाइए तो बहुत ही अच्छी लगेगी आपको खाने में, आप ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार। तो देखिए इसी तरीके से हम इसको पलट पलट के मिला दिए हैं अच्छे से नमक को भी, और अब इनको हम पकने देंगे। फिर हम एक डेढ़ मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे और इसको सब्ज़ी को अच्छे से हम पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुंदरू की सब्ज़ी पक गई है। देखिए इसको हम आपको दिखा देते हैं कितने अच्छे से पक गई है। और अब इसमें हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लाल मिर्च पाउडर हमने पकते वक्त नहीं ऐड किया था, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं हम,
जब पकाते हुए ऐड कर देते हैं तो उसमें मतलब झाग बहुत ज़्यादा होने लगता है, तीखापन फैलने लगता है घर में। और थोड़ा सा सब्जी मसाला ऐड कर देंगे, कोई भी सब्ज़ी मसाला जो आपके पास हो उपलब्ध हो वो आप ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे वैसे कुंडरों में खुद ही खट्टा फ्लेवर होता है, बट हम थोड़ा सा यहाँ पे अमचूर पाउडर ऐड कर देते हैं, जिससे अच्छी चटपटी सब्ज़ी हमारी बने। बुनिया कुंडरों की सूखी सब्ज़ी खूब अच्छी चटपटी हो। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, देखिए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद एक मिनट तक इसको हमने और पका लिया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, इसको हमें तुरंत खाना है इसलिए हम हरा धनिया ऐड कर रहे हैं। आप हरा धनिया अगर आपको इसको सफ़र में ले जाने के लिए बनाना है तो आप हरा धनिया स्किप कर दीजिएगा। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स करके अब हम सर्व कर लेते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, बनकर रेडी हो गई, सिर्फ 5 मिनट में बनकर रेडी हो गई है हमारी कुंडरों की बहुत ही बेहतरीन सूखी सब्जी, कि भी बगैर लहसुन और प्याज के। तो आप भी इस तरीके से सब्जी को बनाइएगा ज़रूर, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा बताया हुआ तरीका आपको कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी नया वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए आगे एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।